हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निमास किचन। तो आज हम बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी, वो भी दो तरीके से, एक ग्रेवी वाली और एक ड्राई सूखा भुना मसाला, जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। टेस्ट ऐसा कि आप एकदम चटकारे ले लेकर के खाएंगे इस सब्ज़ी को। बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलिशियस लगती है ये, एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर मेरी बनाई हुई रेसिपीज आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने पहले भी कटहल की बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करी हैं, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सूखा भुना कटहल मसाला, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है। तो सबसे पहले हम कटहल को बॉईल कर लेंगे। तो लेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक, एक चुटकी हल्दी, और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। पानी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। हल्दी ऑप्शनल है, मगर अगर आप डालेंगे तो इससे आपके कटहल का कलर भी खराब नहीं होगा। मैंने मार्केट से कटहल ले लिया था, जिसको मैंने पीसेस में कट करा लिया था मीडियम साइज के। इसे हम 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। लगभग 70-80% तक हमको कटहल अभी ही पका लेना है, बाद में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं जो कटहल है वो 70-80% लगभग बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसका हम पानी छान देंगे और इस कटहल को हम अलग रख देंगे। अब हम लेंगे एक लोहे की कढ़ाई। आप कटहल की सब्जी जब भी बनाएं तो वो लोहे की कढ़ाई में बनाएं, इससे उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, एक चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, एक तेज पत्ता, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और ढेर सारे प्याज। मतलब लहसुन को डालने के बाद अगले अच्छे से मिक्स कर लें, हल्का तेल मतलब सौते कर लें, जिससे कि जो लहसुन का कच्चा पन है वो सारा निकल जाएगा। ढेर सारी प्याज हम डालेंगे, लगभग मैंने यहाँ 4 से 5 प्याज ली, लंबा लंबा बड़ी स्टाइल में कट कर लिया है। इसे हम डाल करके अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि अच्छे से गोल्डन पिंक ना हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1 चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लाल देवी मिर्च, लगभग 1 से 2 चम्मच के जितना, और 1/4 चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला और ढेर सारा अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला और प्याज अच्छे से सौते नहीं हो जाते, भून नहीं जाते, और उसमें से बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती। लगभग 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लंबी कटी हुई हरी मिर्च और एकदम थोड़ा सा 1/4 कप के जितना पानी। पानी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि जो है मसाला जो है वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं, बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आएगा। अब जो हमने कटहल को बॉईल करके रखा था वो हम सारा इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए कम से कम 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से इसको भूनेंगे। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे, जिससे कि जो हमने कटहल को थोड़ा कम पकाया है 80%, वो अब इस स्टेज पर हमारा बढ़िया से पक जाएगा और जो सब्जी है वो बहुत ही भुनी भुनी और बहुत ही डिलीशियस लगेगी खाने में। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ी लिपटमा सी है, थोड़ा रसा है इसमें, हमने पानी भी डाला है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर आराम आराम से पकाएंगे, इसको भुनेंगे थोड़ी देर तक, तो इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। ज़रूर एक बार आप इस रेसिपी को बना करके ट्राई करिएगा। ये दाल चावल के साथ बहुत अमेजिंग लगती है। जिन लोगों को नॉनवेज खाना पसंद है उसका ये बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अब देखिए कितना अच्छा से इसको 10 से 12 मिनट तक भुनने के बाद इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आ चुका है, कितनी भुनी भुनी लग रही है, और इसमें बहुत ही बढ़िया सा सोंधापन आता है लोहे की कढ़ाई में बनाने से। तो लगभग अब हमारी सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे फटाफट सर्व करेंगे। आप इसे चाहे ठंडा करके खाएं, चाहे गर्मा गर्म दाल चावल के साथ खाएं, ये हर तरह से बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है। ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, आपको टेस्ट बेहद पसंद आएगा। तो अब हम बनाएंगे जो है ग्रेवी मसाला कटहल, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। इसमें मैंने लिया है थोड़े से प्याज, थोड़े से लहसुन, थोड़े से हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को हम एकदम बारीक पीस लेंगे। एक लोहे की कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा सरसों का तेल, इन सब चीज़ों को मिक्स करके डालेंगे, अच्छे से गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच जीरा, अच्छे से उसको चटकने देंगे। फिर डालेंगे हम इसमें 1 तेज़पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, इन सब चीज़ों को डाल करके अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज, लहसुन, मिर्च
मिर्चा सब लिया था उसका एक बारीक पिसा हुआ पेस्ट, इन सब चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा भुना हुआ खुशबू नहीं आने लगता और हल्का सा कलर नहीं आ जाता। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें बेसिक मसाला, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मिर्चा, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ी सी देगी मिर्च। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और टेस्ट आपको बेहद पसंद आएगा। सारे मसालों को डालने के बाद आपको इसको तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल देगी मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अमेजिंग आएगा और सब्ज़ी ना एकदम ग्रेवी वाली, एकदम मटन की तरह आपको लगेगी देखने में और खाने में। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। मसालों को डालने के बाद अच्छे से उसको भून लेंगे जब तक कि उसमें ऑयल अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाता। फिर हमने जो कटहल पकाए थे 80% वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको डाल करके अच्छे से एक मिनट के लिए भूनेंगे हाई फ्लेम पर, जिससे कि मसाले उसमें सारे अच्छे से लिपट जाए। लिपट जाएगा तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लगभग एक ग्लास के जितना, और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगती है ये। एक चौथाई एक से दो चम्मच के जितना हम इसमें लाल देगी मिर्च डाल देंगे, इससे कलर इसका बहुत अच्छा आएगा। एक चम्मच के जितना हम इसमें मीट मसाला डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इन सब चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको एटलीस्ट हम 2 से 3 मिनट तक ढक करके पकाएंगे, फिर हम इसको ढक्कन हटा करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर, इससे इसका कलर इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आएगा। तो प्लेट लगा करके इसको ढक के मैंने रख दिया था 2 से 3 मिनट के बाद। अब आप देखिए इसका कलर और टेक्सचर कितना ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है, पूरा ऑयल रिलीज़ हो गया है। बहुत ही ज़्यादा देखने में डिलिशियस लग रही है ये रेसिपी, मतलब खाने में बहुत ही अमेजिंग बनती है ये। तो बस इसको ढक्कन हटाने के बाद ही मैंने 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर ऐसे ही पका लिया था, जिससे कि इसका ऑयल बहुत अच्छे से रिलीज़ हो गया था, सब्ज़ी बहुत अच्छे से कुक हो गई थी, कटहल बहुत अच्छे से पक चुके थे। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, उसे गार्निश कर देंगे और ये देखिए हमारी ग्रेवी कटहल मसाला बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे चाहे रोटी के साथ खाएँ, चाहे चावल के साथ, ये हर तरीके से बहुत अमेजिंग लगती है। मगर अगर किसी को नॉनवेज खाना पसंद है ना और वो नहीं खा पा रहा है, तो आप इसके सब्स्टिट्यूट में कटहल की सब्ज़ी एक बार इस तरीके से बना करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको खा करके। मतलब आपने पहले इस तरीके से कभी नहीं बना करके खाई होगी, जो कितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। मेरे हस्बैंड की पर्सनल फेवरेट है, ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा, आपको टेस्ट बेहद पसंद आएगा। और अगर पसंद आ जाए तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कॉमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।